says, feel it sinking in. Lonely faces say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह का जो है लगभग 6 बज रहा है और हम बस तैयार होने जा रहे हैं, नहा धोते हैं, तैयार होते हैं और फिर चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। और बस एक बार तैयार हो जाते हैं, तैयार होके आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अपना नहा धो के निकल चुके हैं दर्शन के लिए और बस अभी जा रहे हैं हम लोग काउंटर पे, पर्ची कटवाते हैं और फिर चलते हैं आगे। गाइस, ये पर्ची का काउंटर है, यहाँ पे पर्ची कटती है ऊपर जाने के लिए, तो बस पर्ची लेते हैं और फिर फटाफट से चलते हैं। सो गाइस, अभी अपने ने आईडी कार्ड ले लिया है और अब चल दिए रास्ते में। हल्की हल्की सी चढ़ाई शुरू हो गई है, बाणगंगा तक जा रहे हैं और फिर वहाँ से आगे की चढ़ाई शुरू होगी। तो चलिए चलते हैं और आपको माता रानी के दरबार तक का रास्ता दिखाते हैं। बस आप बने रहो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बाणगंगा पहुंच गए हैं, तो ये चेकिंग पॉइंट है, आप पीछे देख रहे होगे, तो यहाँ चेकिंग वगैरह चल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाणगंगा में रुके हुए हैं, कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो अभी हमारा बाणगंगा में पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, तो अगर आप आओ तो समय लेके आओ, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में समय काफ़ी लग जाता है। तो बस चाय वाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया है और अब चल रही है अपनी यात्रा पर, जो कि 14 किलोमीटर की है और पैदल ही पूरी करेंगे हम लोग। अगर चलते हैं और आप बने रहो हमारे साथ।
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हाफ रास्ता भी नहीं कवर कर पाए हैं और भीड़ भी ठीक ठाक है, और अच्छी चीज़ ये है पूरे रास्ते पर आपको हाइड्रेट रखने के लिए नींबू पानी वगैरह मिलता रहेगा, खाने पीने की दुकानें भी हैं छोटी छोटी, तो सफ़र अच्छा है, 14 किलोमीटर का कोई दिक्कत नहीं होगी। और घुड़सवारी और पालकी वगैरह भी मिल जाएगी अगर आप जाना चाहो, पर पैरों से जाने का आनंद अलग है। बाकी चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे हाफ द वे अर्धकुमारी में, वो मिडिल है, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं फिर से। टिल यू गाइज स्टे कनेक्टेड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ के कुछ लोग गए हुए हैं अभी थोड़ा वॉशरूम, तो बस वो आ जाए फिर आगे चलते हैं, तब तक थोड़ा सा हम लोग भी मम्मी रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी देर चल लिए हैं और फिर चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे। चल दिए फिर से हम लोग, शेरावाली माता की जय। गाइज, रास्ते में आपको इस तरह के जीने भी मिल जाएंगे जो कि शॉर्टकट है, जैसे कि नीचे वाले रास्ते से इस रास्ते को जोड़ने के लिए, तो वो तो डिपेंड करता है, मतलब अगर आपके साथ कोई एजेड नहीं है तो आ सकता है जीनों से, बाकी एजेड लोगों के लिए घुटनों के लिए प्रॉब्लम है तो प्रिफर ना करें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी ऐसे शॉर्टकट्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे, यू कैन प्रिफर दैट। गाइज, अभी जो है हम लगभग मिडिल में हैं, इंद्रप्रस्थ बोलते हैं इस जगह को जहाँ पे हम हैं, तो अभी यहाँ से जो है एक रास्ता जो है ये जा रहा है अर्धकुमारी को, और एक रास्ता जो इधर से है ये भी मंदिर को जा रहा है, रास्ते दोनों ही मंदिर को जा रहे हैं, बस फर्क ये है कि एक रास्ता 5.5 किलोमीटर है और एक 6.5 किलोमीटर है, तो फिलहाल तो हम छोटा रास्ता जो है वो ले रहे हैं क्योंकि मम्मी भी हैं, थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत हो रही है,
और अर्थ कुमारी हो सकता है वापसी में आए, तो बस चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे आगे भी आगे चल के। गाइज आप जो है जब इधर को चलोगे तो आप ये बैटरी की सर्विस भी ले सकते हो, बैटरी कार की यहाँ से चलती है। हालांकि ये ऑनलाइन अगर लो तो ये 60 प्लस के लिए है, लेकिन ऑफलाइन अगर करो तो सब लोग इसकी सर्विस ले सकते हैं। ये लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन कार सर्विस के लिए ही, वो तो आपके ऊपर है आप लेना चाहो तो। फ्रेंड्स ये वो ई रिक्शाज हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक रिक्शाज क्या ये आप कह लो, एक तरह से बैटरी वैन्स हैं जो कि यहाँ पे चलती हैं और सारी ये जो हैं साउथ की रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे ड्राइवर के नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं। तो ये सर्विसेज हैं यहाँ पे जो कि आप ले सकते हो। फ्रेंड्स अभी बैठ गए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, अब थोड़ी ही दूर बचा है बस माता का भवन मंदिर जो है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 2 से 2.5 बचा होगा। तो बस अब चलेंगे और सीधे दर्शन के लिए ही रुकेंगे। अब काफ़ी देर से चल रहे थे तो थोड़ा वेट कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया है और बस अब चलेंगे और चलते हैं और फिर आपको भी आगे के नज़ारे दिखाते हैं। सो गाइज अभी जो है डोसा पॉइंट पे रुक गए हैं चाय वगैरह पीने के लिए, काफी समय से चाय नहीं पी थी और बस चाय वाय पीते हैं क्योंकि यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, सीनिक व्यू है रेस्टोरेंट का, और थोड़ा बैठ भी गए हैं और चाय वगैरह पीते हैं और फिर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। नाश्ता वगैरह कर लिया, चाय वाय पी लिए और अब चल रहे हैं दरबार की तरफ और मिलते हैं आपसे रास्ते में। Why you hanging on the rooftop by yourself? I have
have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So दोस्तों, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है. मौसम काफी ज्यादा बदल गया है. ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है. काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है और आज जो वेदर फोरकास्ट थी उसके हिसाब से भी बारिश होनी थी, तो मुझे लगता है अभी बारिश और ज़ोर हो जाएगी. फ़िलहाल हम तो बस पहुंचने वाले हैं मंदिर तक और पहुंच के आपसे मिलते हैं वहीं. गाइस ये देखिए, बर्फ पड़ रही है यहाँ पे. स्नोफॉल हो रहा है. मुझे लगता है शाम तक यहाँ पे भी ना हो जाए. बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया इस समय. सो फ्रेंड्स, हम लोग लगभग मंदिर के परिसर में पहुँच चुके हैं और ये लाइन लगी हुई है चेकिंग की, और चेकिंग करा के बस दर्शन करते हैं. तूफ़ान बहुत तेज़ तूफ़ान भी चल रहा है, पत्थर वगैरह भी गिर रहे हैं. बाकी आगे चल के मिलते हैं आपसे. सो गाइस, बस मंदिर परिसर पहुंचने ही वाले हैं, अभी आपको दिखाता हूं. और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है इस समय और बस लाइन में लगे हुए हैं. लाइन आगे बढ़ती है, फिर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं. दोस्तों, चेकिंग करा ली है. भीड़ बहुत ज़्यादा है. आगे देखते हैं क्या सीन है. आप लोग बने रहो, देखो आगे क्या होता है. गाइस, बारिश भी हो रही है बहुत ज़ोर और बस अपन जा रहे हैं दर्शन करने. और बारिश दोनों हो रही है और बस चल रहे हैं आगे दर्शन करने और फिर मिलते हैं आपसे. और बस अब दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और दर्शन करके मिलते हैं आपसे. देखते हैं कहाँ तक वीडियो बन पाती है. और मौसम बदल गया, बहुत तगड़ा हो चुका है मौसम. देख पा रहे होंगे आप, बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है. हवा वगैरह भी चल रही है बहुत ज़बरदस्त. और मिलते हैं आपसे दर्शन करके. फ्रेंड्स, जूते वगैरह हमने उतार दिए हैं, रख दिए हैं और अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए. मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो फटाफट से चलते हैं दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. गाइस, लॉकर्स में फ़ोन रख लेते हैं, रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, तो रख लेते हैं और वापसी में मिलते हैं आपसे. ओके, ये लीजिए.
फ्रेंड्स दर्शन हो गए अपने, बहुत बढ़िया दर्शन रहे। मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल गया था, ठंड भी बढ़ गई थी, पैर वगैरह भी जम गए थे बहुत ज़्यादा ही, पर दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। अभी बस लॉकर रूम में फ़ोन रख दिया था तो वो लेके अब बाहर निकल रहे हैं और अब चल रहे हैं अगले मुकाम की तरफ और वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। दोस्तों अपने दर्शन बहुत बढ़िया हो गए थे और मौसम वगैरह काफ़ी बिगड़ रहा था, अनाउंसमेंट वगैरह अभी भी हो रही है और वापस जाने के लिए कह रहे हैं कटरा, तो अपन जो है निकल चुके हैं वापसी के लिए। सो अब कटरा के लिए वापसी कर रहे हैं, दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं और चलते हैं वापसी, मिलते हैं आपसे रास्ते में। और बहुत ही बढ़िया तीर्थ स्थान है, मैं तो कहूँगा हर किसी को आना चाहिए एक बार, बहुत ही मज़ा आई, शब्द नहीं है मेरे पास तो कहने के लिए। बाकी चलिए मिलते हैं रास्ते में आपसे फिर। फ्रेंड्स ये देखिए रास्ते में एटीएम की भी सुविधा है, जो कि मैं जाते समय आपको नहीं दिखा पाया था, लेकिन अभी याद आया बता देता हूँ कि जो है एटीएम की भी सुविधा है यहाँ पे। तो अगर इन केस अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे आप कैश वगैरह निकाल सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं, तो रुके हैं कुछ खाने वाने के लिए, कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, बस अब थोड़ी देर में कटरा पहुंच जाएंगे और कटरा पहुंच के आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, बारिश का मौसम हो गया है, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है तो उसके लिए अभी बैठे हुए हैं हम लोग, तो बस अभी थोड़ा सा बैठ जाएं, बारिश हल्की हो जाए फिर चलते हैं और बस अब कटरा पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। टिल टेन गाइस स्टे कनेक्टेड। गाइस बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश का मौसम है, आप देखिए बारिश का क्या हाल है यहाँ पे आज। फिलहाल तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, थोड़ा सा बचा है 1.5 किलोमीटर का, उतर ही जाएंगे, काफ़ी लोग उधर वेट कर रहे हैं शेड के अंदर और बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त, हवा और बारिश दोनों ही हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग उतर रहे हैं, थोड़ा सा ही बचा है लेकिन लाइट चली गई है और बहुत बुरा हाल है यहाँ पे उतरने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है इस समय। तो फ्रेंड्स बस नीचे उतर गए हैं, पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बारिश बहुत तेज है, आप देख रहे हो क्या हाल है, भीग चुके हैं पूरी तरह से और बस पहुंचते हैं किसी तरह होटल, जी मिलते हैं आपसे पहुंच के होटल में। yeah.
तो फ्रेंड्स फाइनली अपन होटल पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। पाजी से मुलाकात हो गई। पाजी जो है जल्दी थोड़ा सा थकान हो गई थी पर होटल आके बस एक चीज़ दिख रही है वो बिस्तर। तो बस अब अपन आराम करेंगे और फिर कल सुबह आप लोगों से मिलते हैं नए व्लॉग में और कुछ एक्साइटिंग करेंगे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। जय माता दी।